पूरी दुनिया में छाए कोविड 19 के कहर ने अब हिमाचल प्रदेश की चिंता भी बढ़ा दी है। बीते कई दिनों से प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सहित यहां के बाशिंदे इस बात से संतुष्ट थे कि कोरोना के 3 मामले आने के बावजूद एक वृद्ध की मौत और 2 के नमूने नेगेटिव होने से पूरा प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है। लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज जमात से हिमाचल लौटे जमातियों ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और हिमाचल में एक बार फिर कोरोना को अपने पांव पसारने का मौका दे दिया। टांडा मेडिकल कॉलेज में 3 जमातियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिला सोलन के नालागढ़ के 3 जमातियों के नमूने बीती रात शिमला के IGMC अस्पताल में भी पॉजिटिव आ गए, जिससे राज्य के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई और विभाग सहित सरकार के भी हाथ पांव फूल गए। इन नमूनों की पॉजिटिव आने के बाद रविवार सुबह तड़के इन 3 जमातियों को पूरी सुरक्षा के बीच शिमला के IGMC अस्पताल लाया गया और अब ये 3 IGMC के आइसोलेशन वार्ड में उपचाराधीन रहेंगे। हालांकि IGMC में ही शनिवार को 4 और नमूने भी नेगेटिव आए हैं, लेकिन ये 4 मरीज पहले ही दिल्ली के वेदांता अस्पताल में शिफ्ट हो गए थे। गौरतलब है कि 4 लोग PGI चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वाली महिला के संपर्क में बद्दी स्थित एक गेस्ट हाउस में आए थे। प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन अब हिमाचल में पहुंचे कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को सूचीबद्ध कर उन्हें क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया में जुटे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब हिमाचल प्रदेश में कोरोना के और मामले आ सकते हैं। ऐसे में राज्य के हर व्यक्ति को सचेत रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।